ये बख्तियारपुर एक युवा चेहरा आप ही थे सर? हाँ, पूरे बिहार के सबसे युवा उम्मीदवार हम ही थे, क्योंकि आज उनको जेल होने का 46 दिन हो चुका है। नमस्कार, मैं हूँ सैफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम पटना के कोतवाली थाना के समक्ष खड़े हुए हैं और आज पप्पू यादव के रिलीज़ को लेकर के आंदोलन निकलने वाला है। आज हमारे साथ हैं पप्पू यादव के पार्टी के सबसे युवा नेता। आइए सर, ये बख्तियारपुर 180 विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे और करीब कितना वोट आया था सर आपका? वोट आने या ना आने की बात तो बात होती है, हार और जीत होती है। तो हमें बख्तियारपुर से इस बार हार मिला है, लेकिन जनता की जो चुनाव के बाद जनता से जिस तरह से प्यार मिल रहा है, वह हार से बड़ी जीत हम लोग को लग रहा है कि हम जीत गए हैं। सबसे युवा चेहरा आप ही थे सर? हाँ, पूरे बिहार के सबसे युवा उम्मीदवार हम ही थे, क्योंकि मेरा नामांकन के समय 25 वर्ष 19 दिन हो रहा था मेरा, और सबसे गरीब उम्मीदवार भी हम ही थे। अच्छा अच्छा, पप्पू यादव के पार्टी से? जी जी। ये सर यहाँ पर लिखा हुआ है करो या मरो या करो या मरो या जेल भरो, क्या है सर? देखिए, जिस तरह से गरीबों की मसीहा को साजिद के तहत से जेल में फंसाया गया, आज उनको जेल होने का 46 दिन हो चुका है, लेकिन सत्ते में चूर, एम्बुलेंस चोर कहिए या NDA महागठबंधन कहिए, जो जनता की सेवा करता है उनको जेल होता है, और जो एम्बुलेंस चोरी करते हैं वह फरार रहते हैं और AC वाले कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और रही बात सत्ते में चूर नरेंद्र मोदी की सरकार, 4 लाख मुआवजा देने की बात कही थी, एवं नीतीश कुमार ने भी कहा था कि 4 लाख मृतकों की मुआवजा मिलेगी। इस पे सांसद ऐड भी चलाए थे 24 घंटा के अंदर मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन आज 24 महीना भी हो जाएगा तो बिहार की जनता को मुआवजा 4 लाख नहीं मिलने वाला है। इसी को लेकर हम लोग आज सड़क पर हैं और हम लोग भी करो या मरो का है, जेल भरो आंदोलन है। पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा करे, नहीं तो हम लोग भी जेल में जाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद एक ही मांग नहीं है, मृतकों के परिजनों की 4 लाख की मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। स्कूल में पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं, जिस तरह से स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, प्राइवेट स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, उन कोरोना काल में वो बेरोजगार हो गए हैं, उसको रोजगार भत्ता चाहिए, नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता चाहिए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के तमाम बड़े नेता आज कोतवाली थाना में अरेस्ट देंगे कि हम लोग के भी अंदर कीजिए, क्योंकि हम लोग का एक ही लक्ष्य रह गया है, जेल भर दो। नीतीश कुमार की कितनी लंबी जेल है, वह जेल भरना हम लोगों के है। आप जानते होंगे आज से कुछ दिन पहले नीतीश कुमार आँख दिखलाने दिल्ली गए थे। यह बिहार की दुर्भाग्य है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वह खुद अपना आँख के इलाज बिहार में नहीं करवा सकते हैं, तो यह दुर्भाग्य की बात। मतलब एक पर्सनल डॉक्टर होता है, पर्सनल डॉक्टर इनके कारण वो दिखाने के लिए वहाँ गए होंगे, जो एक पर्सनल हर लोग व्यक्ति का एक डॉक्टर होता है। यहाँ पे बिहार की डॉक्टर की अपमान हो रहा है, पर्सनल डॉक्टर क्या होता है भाई? बिहार की डॉक्टर क्या आपकी पर्सनल नहीं है? आपको सैलरी नहीं उनको दे रहे हैं? तो यह बिहार की अपमान करने वाले काम नीतीश कुमार किए हैं। हमको लगता है कि उनका आँख खराब नहीं हुआ है, उनका जिस तरह से छवि कम रहा है तो उनको लग रहा है उनका ही पर अपना देते हैं, तो वहाँ उनका विजुअल, अब तो वीडियो विजुअल चल रहा है, तो विजुअल में उनको भीड़ नज़र नहीं आती है, तो उनको लगा कि मेरा आँख खराब हो गया इसलिए जनता नज़र नहीं आती विजुअल के माध्यम से। उनको यह नहीं पता है कि आपको जनता अब नहीं चाहता है, इसलिए आपको भीड़ नज़र नहीं आता है, इसलिए एक बहाना है आँख दिखलाने का, और बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था का खुद मुख्यमंत्री पोल खोल रहे हैं। आप कह रहे थे कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र था जिससे आप लड़े थे, उस विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार का पालन पोषण हुआ है? नीतीश कुमार वहाँ से पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे गंगा नदी में स्नान भी किए हैं, और उनका आज भी वहाँ पे घर है। आज से 6 महीना पहले खपरा का था, लेकिन आज वहाँ पे आयुष्मान बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंजीनियर लोग लगे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सत्ता से तो हटने वाले हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि बख्तियारपुर में ही घर बना लेते हैं, क्योंकि पटना से तो मुख्यमंत्री आवास से हम निकलने वाले हैं, तो अब कहाँ रहेंगे, इसलिए बख्तियारपुर में अब घर बनवा रहे हैं।